घरों में पूजा पाठ के समय, सत्यनारायण कथा के समय, जन्माष्टमी के समय भगवान को प्रसाद अर्पित किया जाता है। फिर यह प्रसाद सभी को वितरित किया जाता है। आज हम पंचामृत और खसार बनाएंगे। नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि ये प्रसाद कैसे बनाते हैं। पंचामृत बनाने के लिए हम 1 कप दूध लेंगे। ये मैंने कच्चा दूध लिया है, बॉयल नहीं किया है। दूध या तो ठंडा होना चाहिए या नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, बॉयल दूध नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें 1/4 कप दही मिक्स करेंगे। दही एकदम ताज़ा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। दो चम्मच चीनी डालेंगे। हम चीनी कम ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि शहद भी डालेंगे। आप चीनी को अपने अनुसार भी डाल सकते हैं टेस्ट के। इसको मिक्स करेंगे। आप बूरा भी ले सकते हैं इसकी जगह। अब हम इसमें 1 चम्मच हनी मिलाएंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ये 1/2 चम्मच हम चिरौंजी डालेंगे। 2 चम्मच गोले का बुरादा डालेंगे। चौथाई कप मखाने डालेंगे। और ये मैंने 2 तुलसी के पत्ते लिए हैं, इनको हम तोड़ के डाल देंगे। क्योंकि हम पूजा में यूज कर रहे हैं इसलिए हम तुलसी के पत्ते भी डालेंगे इसमें। अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे जिससे हमारे मखाने इसमें फूल जाएंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, हमारे मखाने भीग चुके हैं। अब ये पंचामृत प्रसाद भगवान का भोग लगाने के लिए एकदम तैयार है। आज हम प्रसाद के लिए कसार बनाएंगे। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, इसमें 1/4 कप देसी घी डालेंगे। अब हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे और इनको मिक्स करेंगे। अब हम आटे को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और लगातार चलाएंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। आटा हमारा देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, खुशबू भी आने लगी है। अब इसको हम ठंडा करके इसमें बोरा मिक्स करेंगे। आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे नारियल का बुरादा है, मखाने हैं, इनको भी आप अपने इच्छा अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ठंडा करके बोरा मिलाएंगे। आटा हमारा ठंडा हो गया है, अब इसमें हम 1/3 कप बूरा मिला देंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा कसार का प्रसाद बनके तैयार है। हमारा प्रसाद बनके तैयार है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।